मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर में नकली सोने के गुड़िया को असली बताकर बेचने वाले दो शातर बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्त में आए दोनों आरोपी थाना मंसर जिला नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने सघन पूछताछ पर बतलाया है कि वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर नकली बेंटेक्स के गुड़िया को असली सोने के गुड़िया बताकर बेच दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों ने भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिनके कब्जे से बेंटेक्स की नकली सोने की गुड़ियों की मालाएं और 3 नग असली सोने की गुड़िया जब्त की गई है। साथ ही अन्य वारदातों के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। दो आरोपियों को पकड़ा गया है, बबलू उर्फ अर्जुन राठौर, राजू पिता धनी राम राठौर। दोनों मंसर रामटेक जिला नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने भेड़ाघाट में एक व्यक्ति प्रमोद कुमार को ये नकली गुड़िया बेची थी और लोगों को भी बेचने की फिराक में थे। मैं क्राइम ब्रांच की टीम और भेड़ाघाट की टीम और एसडीओपी बरगी रवि के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। ऐसी घटनाएं अक्सर यहाँ पर होती है। अमूमन इनका मोडस अपरेंडी ये होता है कि हम मजदूर हैं और खुदाई कर रहे थे, हमें सोने की ईंट मिली, सोने की गुड़िया मिली, सोने की मूर्ति मिली, हम इसको आधे दाम में बेचना चाहते हैं, पैसे की ज़रूरत है। इस तरीके का प्रपंच रचकर चोरी, दूसरे को चीटिंग करना इनकी मंशा है, रहती है। इसमें 420 का मामला भेड़ाघाट में दर्ज किया गया है। इनकी लोकेशन और जगह भी मिली है, सिवनी और छिंदवाड़ा में भी, तो संबंधित जिले से भी पूछताछ की जा रही है और पूरे मध्य प्रदेश में भी इन्होंने वारदात की होगी। नागपुर के रहने वाले हैं तो नागपुर से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, इस बात की पूरी संभावना है कि वहां पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया होगा। तो हम लोग इस पे लगे हुए हैं और भी इनकी इस तरह की वारदातें जो हैं उनके खुलासा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर बेलखाड़ू स्थित स्टेट बैंक में एक बड़ी डकैती पड़ने वाली थी, लेकिन इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिल गई और डाकुओं का प्लान धरा का धरा रह गया। डकैती डालने जा रहे आरोपियों के पास से पिस्टल समेत कई घातक जानलेवा हथियार भी बरामद हुए हैं। ये जानकारी शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी अमित सिंह ने दी। आपको बता दें कि ग्राम हरदुआ हार शमशान घाट के पास झाड़ियों में छिपकर स्टेट बैंक में डकैती डालने की योजना बनाते हुए 8 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 1 देशी पिस्टल, 1 कारतूस, 2 चाकू, 1 उस्तरा, 2 रॉड, 1 डंडा, 1 पेचकस, 1 प्लास और नगदी 4,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने 24 अगस्त को मारपीट और लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी हनुमान ताल, न्यू आनंद नगर, मझौली और बेलखाड़ू के रहने वाले हैं। दीपक नहीं दिखाई दे रहा? नहीं था तो वहाँ पे वो सर्किट हाउस में। ये जो मामला है वो लूट से रिलेटेड है। एक घटना हुई थी 24 तारीख को 7 बजे, छगरा ग्राम है। दो मोटरसाइकिल से सवार लोगों ने 2 युवकों को, मोहम्मद हासिब को और अंसारी को पकड़ा रेकी की पहले और रोक के उनको चाकू मारा और 20,000 रुपये जो उनके पास बचे थे वो अपने मालिक से, जिनके यहाँ काम करते थे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे। ऑटोमोबाइल्स की दुकान है जहाँ से उनका सामान आता था, वहाँ वो वितरित करने गए थे। इन लोगों ने बाकायदा रेकी की और रेकी करके अंजाम दिया। हमारी टीम एडिशनल एसपी सिवेश और हमारे टीआई कटंगी चौहान साहब, ये सभी उस पर लगातार लगे हुए थे। हमारे पास हुलिया थी, हमारे पास कुछ फुटेज भी आए थे जिस पे हम लोगों ने काम किया और कटंगी में ही ये वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जहां से इनको पकड़ा गया। एक और मुकदमा 399-402 का इनके ऊपर दर्ज किया गया है। ये मोहम्मद हसीब, अराफात खान, साजिद अंसारी, शाहनवाज अंसारी, सलमान खान, मोहम्मद शरीफ, नीरज झा ठाकुर और गोविंदा उर्फ देवेंद्र हैं। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल मिली है, 1 देसी पिस्टल, 1 कारतूस, 2 चाकू, 1 उस्तरा, 2 रॉड, 1 डंडा, 1 पेचकस, 1 प्लास और नकदी 4,000 रुपये मिले हैं। अभी हम इनसे और पूछताछ करेंगे तो संभावना इस बात की है कि और भी जो वारदात हुई है तो उसका खुलासा होने की संभावना है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद को
पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय समर्पित किया। गौरतलब है कि जनपद के कालपी थाना अंतर्गत ग्राम मंगरोल में बहु प्रशिक्षित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय पिछली सरकार में ही बनना प्रारंभ हो गया था, जिसे आज सूबे के मुख्यमंत्री ने विधिवत प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे हेलीकॉप्टर से मंगरोल पहुंचे, उनके साथ DGP ओम प्रकाश सिंह भी पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने पीपल का पौधा लगाया, इसके बाद दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंडल और जिले के आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। लगभग 2.5 घंटे के व्यस्त कार्यक्रमों में उन्होंने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। भले ही मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाख दावे कर रही है, लेकिन पन्ना जिले के अमानगंज तहसील की मिढ़ासन नदी की झाड़ियों में जब एक 19 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से अमानगंज में सनसनी फैल गई। महिला को देखकर उसकी पहचान करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि ये महिला की लाश करीब 6 से 7 दिन पुरानी हो गई थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मृतक महिला के परिजनों ने महिला के कपड़ों से पहचान कर ली है और बताया है कि ये मेरी बेटी है और ये पवई थाना की ग्राम बिरसिंहपुर में काम करती थी। मुझे आज जब मेरे बेटे ने बताया कि ये नदी पर मेरी बेटी का शव पड़ा हुआ है तो आकर मैंने पहचान की। क्या नाम है आपका, कौन है और जो बच्ची मृत हुई है वो कौन है आपकी? वो छुट्टू हमारी लड़की लग रही है। कैसे लड़की लग रही? मतलब घरवाली को रखे हैं आप उसकी? क्या नाम है घरवाली का? कमला देवी। कमला देवी, मौत कैसे हुई है और क्या कारण बताया जा रहा है? कारण तो साहब मेरे को कोई पता नहीं है, मेरे को तो लड़का ने बताया है कि वहाँ मृत्यु हो गई है और अमानगंज के पुल के पास मृत्यु मिट्टी डली लाश। तो हम लोग वहाँ से आए हैं पानीपत हरियाणा से, तो सीधे हम लोग यहीं उतरे हैं। फिर हम लोगों ने लाश देखी है और लाश देख करके बिरसिंहपुर गए और बिरसिंहपुर से लाश देख करके पवई थाने में हम पहुंचे हैं। पवई थाने वालों ने रेफर कर दिया हमको अमानगंज को। अच्छा, सो अमानगंज वालों को पूरा हमने हाल बताया। अमानगंज वाले वहाँ रात में गए तो देखी है लाश, फिर वहाँ एक पुलिस वाला बैठा रहा रात भर। अच्छा, ये बताओ, बताया जा रहा है कि मृतिका की लाश सड़ चुकी थी, चेहरा विकृत हो चुका था, कितने दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है, कुछ बता सकते हो आप? हमें नहीं बता सकते साहब। और बताया जा रहा है कि मृतिका के पेट में गर्भ था? हाँ, बताया जा रहा है, हमने देखा नहीं है, अभी तक नहीं मिलो हमें देख पूते, मगर बताओ जा रहा हो तो ही बता रहे यार। और आप मतलब इसकी माँ को आपने रख लिया था, कब रख लिया था? हमें आज 7 वर्ष है। और ये जो 19 वर्ष से इसकी छुट्टू नाम है इसका, हाँ, ये कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी? ये रहती थी बड़े राजा के पास। कौन बड़े राजा? दर्शनपुर के। उनके यहाँ क्या करती थी? और इसका काम उसार करती थी माँ को। अच्छा, काम उसार करती थी। हाँ। आपका नाम? मेरा बेटी लाल। ठीक हो। मिढ़ासन नदी के पुल के पास में एक लाश पड़ी है जो कई दिनों सड़ी गली लग रही है, इसको जाके देखा गया है तो करीब 5-7 दिन पुरानी लाश लग रही है, पड़ी हुई है, जो जिसका नाम छुट्टू बता रहे हैं, जो थाना पवई के बिरसिंहपुर गांव की रहने वाली है। घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है, जांच करने के बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किसके द्वारा जानकारी लगी है आपको कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है? उसकी माँ आई थी और उसका जो पिता है, दूसरा पिता है उसके, दोनों आगे। क्या नाम है इसका और कौन सी कास्ट की है, क्या उम्र है सर? उसकी उम्र लगभग 19 साल की है और ये धीमा या जगवार कह सकते हैं उस कास्ट की। सर, ये ब्याहता है कि कुंवारी है? ये कुंवारी है। तो अभी तक पुलिस किस कहां तक क्या उसमें पहुंची है सर, क्या लग रहा है, कैसे सुसाइड केस लग रहा है कि हत्या मर्डर, क्या आप समझ में आया सर? पूरी संदिग्ध अभी परिस्थिति जी, पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद क्लियर होगा। सर, पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम क्लियर पहुँच गई है। और इसमें सर अभी मर्ग इंटीमेशन कायम को? हाँ, मर्ग कायम। सर, शुभ नाम? अभिमन्यु मिश्रा। SDOP गुना? SDOP गुना।